रावण पुत्र अतिकाय जिसे हनुमान जी भी नहीं हरा पाए, आखिर अतिकाय कितना शक्तिशाली था। अतिकाय रावण और उसकी दूसरी पत्नी धन्यमालिनी का पुत्र था। अतिकाय अपने पिता की तरह ही निर्भय स्वभाव का था। अतिकाय ने अपने पराक्रम से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। एक बार तो भगवान शिव ने उसके ऊपर त्रिशूल का प्रहार कर दिया, लेकिन अतिकाय ने भगवान शिव का भी मान भंग कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने उसे धनुर्विद्या सिखाई और अनेकानेक अस्त्र दिए। इसके बाद अतिकाय ने ब्रह्मा जी से ब्रह्म शक्ति 5 का एक ऐसा अमोघ अस्त्र प्राप्त कर लिया और साथ में ब्रह्म कवच को भी प्राप्त कर लिया। अतिकाय को मारना इतना कठिन था कि शायद दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति उसे मार नहीं सकता। अतिकाय कुंभकर्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था। इस बात को स्वयं विभीषण जी ने भी रामायण में जिक्र किया है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित अतिकाय के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। अतिकाय अपने पूर्व जन्म में कैटभ नाम का एक दैत्य था, जो भगवान विष्णु के कानों के रास्ते से मधु और कैटभ नाम के दो व्यक्ति प्रकट हुए। वो दोनों राक्षस इतने बलशाली थे कि स्वयं भगवान विष्णु को भी अपने वश में करने वाले थे। उन लोगों ने भगवान विष्णु को भी हरा दिया था, क्योंकि उनको एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि उस वरदान को न जानने के कारण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी उनका कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन कहते हैं कि ज्यादा शक्तिशाली होने वाला आदमी मूर्ख भी होता। उनकी मूर्खता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एक बार भगवान श्री विष्णु जी से ही उन लोगों ने कह दिया कि हे विष्णु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। भगवान विष्णु ने उनका मान भंग करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे मृत्यु का राज जानना चाहता हूँ। उन लोगों ने अपने वास्तविकता के बातों को बता दिया कि हे प्रभु, मेरी मृत्यु आपके जांघों के बीच में है और आप मुझे अपने जांघों से ही मार दीजिए। इसलिए भगवान विष्णु ने अपने जंघा को ऊपर बढ़ाया, छोटा किया और इसके बाद उसी जंघों में दबाकर उन दोनों को मार डाला। मित्रों, वही अतिकाय और कुंभकर्ण आगे चलकर त्रेता युग में रावण के भाई और एक पुत्र के रूप में जन्म लिया। अतिकाय कैटभ दैत्य था, जो स्वयं कुंभकर्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था और उसको मारने के लिए लक्ष्मण के अलावा कोई मार भी नहीं सकता। उसने स्वयं भगवान शिव से धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्रों से सारे राज जान लिए। साथ साथ अन्य देवताओं से भी अतिकाय को शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त हुए थे। अतिकाय को ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कवच प्राप्त किया था। अतिकाय को दिव्यास्त्रों से प्रहार से बचाता था वह कवच। अतिकाय के तर्कस में अनेकों अस्त्र शस्त्र थे जो उसे अजय योद्धा बनाते थे। अतिकाय ने अपने पराक्रम से आदिशेष अवतार लक्ष्मण जी से युद्ध के लिए चुनौती दे दिया था। लंकापति रावण की सेना पराजय के कगार पर पहुंच गई थी और सेना के सभी प्रमुख दैत्य मारे जा चुके थे। तभी एक विशाल काय दैत्य रण क्षेत्र में आया और उसने वानर सेना में तबाही ला दी। उसके पराक्रम को देखकर श्री राम ने विभीषण से पूछा कि यह विशाल काय दैत्य कौन है। विभीषण ने उसका परिचय देते हुए बताया कि यह रावण का धन्यमालिनी का पुत्र अतिकाय है। हे रघुबर, इसका तुरंत वध करना जरूरी है, नहीं तो यह वानर सेना को खत्म कर देगा। तभी अतिकाय श्री राम के पास पहुंचा और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने लगा। उसने कहा, हे तुच्छ मनुष्यों, तुम दोनों भाई क्यों मेरे हाथों इन वानरों का नाश करवा रहे हो? इनको मारने में ना तो मेरा कोई पराक्रम है और ना मेरी कीर्ति, इसलिए तुम दोनों थोड़ा भी साहस है तो मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा इन वानरों से युद्ध बंद करने के लिए कहकर लौट जाओ। श्री राम उसकी बातों को बगैर किसी प्रतिकार के सुन रहे थे, लेकिन लक्ष्मण को अतिकाय का इस तरह से श्री राम को भला बुरा कहना अच्छा नहीं लगा और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे राक्षस, तू जिस तरह बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा है उतना वीर दिखाई नहीं दे रहा है, अभी मैं अपने बाणों से तेरा सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। अतिकाय ने लक्ष्मण पर एक जलता हुआ बाण छोड़ा। लक्ष्मण ने उसके ऊपर सर्पाकार बाण को छोड़कर अर्धचंद्रकार बाण से काटते हुए दूसरा अग्नि बाण उसके मस्तक पर लक्ष्य करके छोड़ा, जो सीधे उसके मस्तक में जाकर लगा और इसके बावजूद उसकी मृत्यु नहीं हुई। तब स्वयं वायुदेव आकर प्रकट हो गए। उस समय हनुमान जी के कांधे पर स्वयं लक्ष्मण जी विराजमान थे और वायुदेव ने कहा कि इसे ब्रह्मा जी से ब्रह्म कवच प्राप्त है, इसलिए यह कभी नहीं मरेगा। इसको मारने के लिए आपको ब्रह्मास्त्र का संधान करना होगा।
तब जाकर इसकी मृत्यु होगी। लक्ष्मण जी ने वायु देवता की बात को मानते हुए ब्रह्मास्त्र का संधान करना पड़ा इस राक्षस को मारने के लिए। इतना महान शक्तिशाली राक्षस जिसका वध करने के लिए स्वयं लक्ष्मण जी को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा, तब जाकर इसकी मृत्यु हुई। दोस्तों, ये थी अतिकाय की कहानी। रावण के परिवार से जुड़ी हुई जल्द ही और कहानियों को मैं लेकर आने वाला हूँ। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही फैक्ट वाले वीडियो मैं अपने इस चैनल पर लाता रहता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। लेते हैं विदा, मिलेंगे ऐसे ही नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय श्री राम।